आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अप्रैल के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टॉप लॉस क्या बनता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपको खुद से रिसर्च करनी है और फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है। साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं जो इंट्राडे के स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट के ऊपर। तो जो सबसे पहले नंबर का स्टॉक हमने चुना है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ये रेंज बनाता है, उसका ब्रेकआउट देता है, फिर रेंज बना करके ब्रेकआउट, रेंज बना करके ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से इसने ये जो स्विंग हाई है इसको निकाल दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके ऊपर एक रेटिंग एजेंसी है, उसने रेटिंग भी है वो इंक्रीज की है, इसका टारगेट भी अपग्रेड किया है, और ये आने वाले टाइम के अंदर इसलिए किया है कि गैस की डिमांड है वो इंक्रीज कर सकती है। तो यहां पे आप इंट्राडे के अंदर अगर ये 2022 के ऊपर निकलता है तो आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट हमारा 205 का पहला बनेगा और 207 का सेकंड टारगेट टारगेट बनेगा, 200 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो सेकंड नंबर का स्टॉक है, ठीक है, वो हमारा है यहाँ पे पीएनसी इंफ्रा। ठीक है, पीएनसी इंफ्रा के अंदर भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक चैनल बना हुआ था और आज उसका ब्रेकआउट हो चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, अब इसके ऊपर निकलेगा तो इसके अंदर तेजी हो सकती है, सस्टेन कर सकता है ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहां पे आपको बाइंग कब करनी है, तो 467 के ऊपर ये अगर निकलता है तो आपको बाइंग करनी है। ठीक है, और इसके बाद में जो टारगेट है वो 475 का पहला टारगेट बनेगा और 480 का सेकेंड टारगेट आपको लगा के रखना है। स्टॉप लॉस इसके अंदर 460 के ऊपर आपको लगा के रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक है वो है सीईएससी यहाँ पे। ठीक है, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन और यहाँ पे अगर ये एक चैनल आप देखोगे तो ये यहाँ पे फॉलिंग वेज था। ठीक है, क्या था, फॉलिंग वेज था और उसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और ये वाला जो स्विंग रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के जैसे काम किया और फिर से ये ऊपर में चल चुका है। तो इसके अंदर भी पावर स्टॉक है तो तेजी हो सकती है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री करोगे। 141 के ऊपर निकलता है तो, और यहाँ पे जो टारगेट है वो 143 का पहला टारगेट बनेगा, 145 का सेकंड टारगेट बनेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे 139 के ऊपर आप लगा के रख सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ नंबर का स्टॉक है वो है गुजरात गैस। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है और गैस जो यहाँ पे कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनके अंदर तेजी हो ही रही है। ठीक है, आप एमजीएल को देख लो, आईजीएल को देख लो और गुजरात गैस को। ठीक है, तो ये तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अभी आप देखोगे तो ये इस चैनल के अंदर था, अभी यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन हमारी ये वाली होगी, इसके ऊपर निकलेगा तो इसमें और भी बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट देकर के निकला है, तो यहाँ पे 567 के ऊपर अब निकलता है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। 572 पहला टारगेट बनता है और 577 ये सेकेंड टारगेट बनता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 560 के ऊपर आपको लगा के रखना है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लास्ट नंबर का स्टॉक है वो है हमारा यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक काफी अच्छी गिरावट हुई है और उस गिरावट के अंदर आप देख सकते हो कि डाउन साइड के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है और यहाँ पे अब ये डबल बॉटम बना करके ऊपर निकल रहा है। तो अभी ऊपर के अंदर ये वाला हमारा मिनिमम टारगेट होने वाला है, तो इसके अंदर भी आपको तेजी कर सकते हो। 763 के ऊपर निकलता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए। 770 पहला टारगेट बनता है, 776 सेकेंड टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस 756 के ऊपर आपको लगा के रखना है। तो यहां पे हमने बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट है वो डिस्कस कर ली है, जिसके अंदर मैंने आपको सभी लेवल बताए हैं कि कहां पे आपको एंट्री करनी है, टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।